हेलो दोस्तों, फिर से एक बार साउथ की 6 खतरनाक और ड्रामा फिल्में जो शुरू से लेकर अंत तक आपको दिमाग के साथ खेलने का काम करती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सभी फिल्में इतनी हाई रेटिंग है कि इन्हें आईडीएम से 8+ रेटिंग डिजर्व करती है, और आप इन सभी मूवियों को दिल खोल कर अपनी मास्टर मूवी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो और रोमांचक बात यह है कि सभी मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है और यह आप इसे आराम से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें से कुछ मूवी ऐसी हैं जो अनऑफिशियल है, तो कॉपीराइट की वजह से वह कभी भी रिमूव हो सकती है। तो आप जल्द से जल्द इसे देख लीजिए, और आप ऐसी साउथ की दमदार मूवी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। नंबर 6 पर आती है सन 2019 की रिलीज क्रिमिनल थ्रिलर मूवीज नांदी। बात करें फिल्म की कहानी की, तो कहानी में दिखाया गया है कि एक आईटी पेशेवर सूर्या, जो कि एक हाई प्रोफाइल हत्या के गलत आरोप में फंस जाता है और अपने मुकदमे की प्रतीक्षा में वर्षों तक दुर्व्यवहार सहता रहता है। आगे कहानी में देखना होता है कि कहानी की सच्चाई क्या है, आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको दोस्तों आपको ये मूवी देखनी होगी। आपने ये मूवी अगर नहीं देखी है तो ये मूवी अनऑफिशियल अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि नंबर 6 पे आती है। और इस मूवी की आईडीएमडीबी रेटिंग 8/10, 10/8 है, और गूगल यूजर द्वारा लाइक 98% है। नंबर 5 पर आती है म्यूजिकल रोमांच वो फिल्म हरदियम। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में पर्णम मोहनलाल और दर्शन नारायण के साथ और भी कलाकार देखने को मिलते हैं। बात करें फिल्म की, तो कहानी में अरुण नाम का एक लड़का, जिसकी जीवनी को दिखलाया गया है और उसके कॉलेज के समय में जीवन उसने कैसे गुजारे, यह जानने के लिए दोस्तों आपको यह मूवी देखनी होगी। इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है, जो कि आपको इसको अंत तक देखने पर मजबूर कर देती है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है दोस्तों, तो मैं इस मूवी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आती है नंबर 5 पे। नंबर 4 पे आती है एक्शन और क्रिमिनल वाली थ्रिल मूवी त्राटका। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो दिखाया गया है कि एसीपी के भाई को बहरमई से हत्या कर दी जाती है और वह मामले की गुत्थी सुलझाने और हत्यारे को सजा देने की ठान लेता है। लेकिन वह जैसे जैसे हत्या की गुत्थी को गहराई से सुलझाने लगता है, तो हत्या की रैकेट का पता चलता है। और दोस्तों, इस फिल्म के अंदर क्या वह को सुलझा पाता है, जानने के लिए आपको इस फिल्म को अंत तक देखना होगा। और अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है, तो मैं इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में 4 नंबर पे दे दूंगा। नंबर 3 पे आती है सन 2022 की बेहतरीन रोमांच और हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सीतारमन। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में दर्शक सलमान, मनोरमा ठाकुर, रश्मिका मंदान के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें इसी मूवी की कहानी की, तो कहानी में दिखाया गया है कि एक सैनिक जिसका नाम राम, उसकी लाइफ बदल जाती है जब उसे सीता नाम की लड़की का पत्र मिलता है और बाद में उन में प्यार भी हो जाता है। दोस्तों, आगे देखना है कि लव जर्नी में क्या होता है, जो कि इस मूवी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है, जो आपको आखिर तक सरप्राइज करने में कामयाब होती है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर 3 पे इसका लिंक दे रहा हूँ। नंबर 2 पे एक लीगल ड्रामा वाली फिल्म गार्गी आती है। मुख्य भूमिका में साई पल्लवी के साथ और भी कलाकार देखने को हमें मिले थे। इस मूवी की वहीं पे कहानी की बात करें, तो इसके अंदर एक वकील की सहायता से अपने पिता को बेगुनाही साबित करने के लिए एक टीचर युक्ति की कहानी को दर्शाया गया है। और इसके अंदर टीचर युक्ति अपने पिता को छुआ पाती है या नहीं, इसको देखने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है, तो मैं अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर 2 पर इसका लिंक दे दूंगा। और मूवी के अंदर किरदार कुछ इस तरीके से है कि वो आपको अंत तक एक रोमांच बनाने के लिए फिल्म में देखना होता है कि युक्ति अपने पिता को बचा पाती है कि नहीं पाती है। और दोस्त, नंबर 1 पर आती है 2022 की तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म विक्रम हिटलेश, जिसके मुख्य किरदार कमल हसन विजय सेतु के साथ
अन्य कलाकार हमको देखने को मिलते हैं। अगर वही कहानी की बात करें दोस्तों, तो शहर में एक हत्या की श्रृंखला मूवी में दिखलाई गई है, जिसके लिए एक अंडर कवर ऑपरेशन चलाया जाता है। और बाकी दोस्तों, फिल्म के अंदर क्या होता है इसकी कहानी को आगे जानने के लिए आपको मूवी पूरी देखनी होगी। और वहीं अगर आपको ये मूवी देखनी है तो मैं अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूंगा। और मेरी पर्सनली रिकमेंड है कि इसके स्क्रीन में काफ़ी दमदार है, जो आपको ये मूवी अंत तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।